नमस्कार दोस्तों, आरकेपुरम विधानसभा में आज हम मौजूद हैं और भाजपा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी एक विशाल कलश रैली निकाली है। सर, क्या कुछ उद्देश्य रहा है इस रैली का? इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जो सीए के बारे में जो ये खासकर कांग्रेस पार्टी और आम पार्टी जो उल्टा प्रचार कर रही है, हम दिखाना चाहते हैं कि हजारों की संख्या में हमारी बहनें साथ हैं और वो प्ले कार्ड लेके चल रही हैं कि आई सपोर्ट सीएए। उनको ये पता है कि जो हमारी हिंदू बहनों माताओं के साथ जो अत्याचार हमारी सिख बहन भाइयों के साथ आज जो कल गुरुद्वारे में घटना घटी है, किसी ये छुपी हुई नहीं है, आज सारे देश के अखबारों में आई है। ऐसी कितनी चीज़ें हमने कभी नहीं कहा कि जो सिर्फ हिंदू के लिए, अल्पसंख्यक जो भी समुदाय हमारे तीनों कंट्री में थे उनके लिए, उनके समर्थन के लिए आज ये रैली है जो विशाल कलश यात्रा है। अभी माता की चौकी के रूप में बदल जाएगी। वहाँ माता की चौकी में भी हमारी यही थीम है कि माता के आशीर्वाद के साथ साथ जो काम नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय अमित शाह साहब ने किया है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़रूरी था। हमारे सारे जो उन कंट्रीज़ में जो अल्पसंख्यक भाई बंधु थे, हमारी बहनें थी, उनकी रक्षा के लिए जो काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। उसके समर्थन में आज विशाल कलश यात्रा चल रही है, जिसके अंदर आप देख ही रहे हैं हजारों की संख्या में बहनें हैं। अभी तक लाइन ख़त्म नहीं हुई है, कई किलोमीटर लंबी लाइन है। तो और कहाँ कहाँ तक जानी है सर? ये सेक्टर 3 से सेक्टर 12 के अंदर जानी है, जहाँ पर अभी चौकी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा जी, तो सर क्या कुछ अभी तक शाम का कार्यक्रम रहने वाला है और कितने लोग अभी और इसमें शामिल होने वाले हैं? कुछ अभी 3000 से ज़्यादा हमारी बहनें साथ चल रही हैं। उसके बाद इसके वहाँ पर कई हजार लोग इसमें जो कलश यात्रा में नहीं है, जो सीधा वहाँ पहुँचेंगे, ऑलरेडी वहाँ पहुँचेंगे, हमारे नेता भी पहुँचेंगे, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन मीनाक्षी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी साहब, हमारे श्याम जाजू जी प्रभारी जी, तरुण चुग जी सह प्रभारी जी, ऐसे अन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें पहुँचने वाले हैं। हमारी प्रदेश की मंत्री बहन सुमित्रा जी आई हुई हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी आए थे, ऐसे अन्य भी संघ के अधिकारी और भी बहुत लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। अभी हाल ही में प्रेस वार्ता के जरिए मनोज तिवारी जी ने ये साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो झूठ की पार्टी है और कई सारे बिजली के बिल जो हैं उन्होंने दिखाए, जिसमें कि 200 यूनिट से कम रहने पर भी बिजली का बिल कहीं 300 कहीं 400 आया दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों का। अगर आरकेपुरम विधानसभा की बात करें, इलेक्शन का समय बहुत नज़दीक है, क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पर जो अभी तक आम आदमी पार्टी के जरिए हल ही नहीं की गई पिछले 5 साल में? ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो यहाँ पर सीवर की, पानी की, टॉयलेट की, झुग्गी के लोगों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका जिक्र आपके साथ आपसे निवेदन करेंगे, दोबारा करेंगे। आज हम विशाल कलश यात्रा कर रहे हैं, सीए का विरोध कर रहे हैं, आज का मुद्दा यही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि विशाल यात्रा जो है, कलश यात्रा, वो निकाली गई है सीएए के समर्थन में निकाली गई है। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम 3000 के आसपास लगभग जो है महिलाएं कलश लेकर जो है वो यात्रा के लिए निकली हैं। ये तमाम सेक्टरों में, सेक्टर 3 से लेकर सेक्टर 12 आरकेपुरम तक जो है इस यात्रा को लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पर माता की चौकी जो है वो रखी गई है महिलाओं के लिए और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग सेक्टर से आरकेपुरम में महिलाएं आई हुई हैं, अपने सर पर उन्होंने कलश रखा हुआ है। जानेंगे कुछ और। आंटी जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? हम द्वारका से। द्वारका से, हाँ। कैसा लग रहा है सारा सिस्टम, कैसा लगा अनिल शर्मा जी? लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई कलश मिलने में? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। सेक्टर 5 से। कब तक रहने वाले हो आप लोग इस यात्रा में और कब तक चलेगी ये यात्रा? तक रहेंगे 7 बजे तक रहेंगे, 7 बजे तक रहेंगे। हाँ, तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि 7 बजे तक रहेंगे यहाँ पर, जब तक माता की चौकी नहीं हो जाती और सीए को सपोर्ट के लिए। देखो, बच्चा भी हमारे साथ है और इसने बोर्ड ले रखा है कि आई सपोर्ट सीए, तो इसी के समर्थन में सीए को लेकर ही जो है वो ये यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई है। और साफ तौर पर अनिल शर्मा, जो कि पूर्व विधायक भाजपा से आरकेपुरम के रहे हैं, उनका कहना है कि सीए को समर्थन देना बहुत ज़रूरी है ताकि देश का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो सके। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ जुहेब अहमद, सत्य खबर, दिल्ली। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।